हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत प्रसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल AVS Tech अनंत प्रसोनी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे आपके लिए मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको Shopify बताता हूँ, SEO, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, मेक मनी ऑनलाइन, एवरीथिंग, जहाँ से भी आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो उसकी मैं आपको फ्री टिप्स और ट्रिक्स दिया करता हूँ, फ्री रिसोर्सेज दिया करता हूँ। ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ ताकि आप ग्रो कर सकें। और आप अगर चैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की, इसी टाइप की ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से आप कुछ ना कुछ एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है एक काम कि आपको ये सारी प्लेलिस्ट चेक करनी है या जिस चीज में अभी आप इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको सिंपल सी प्लेलिस्ट चेक करनी है। आज का वीडियो भी हमारा मनी मेकिंग से रिलेटेड ही है। आपने जैसा कि थंबनेल पे पढ़ा होगा कि आप फेसबुक के थ्रू यहाँ पे अर्निंग कैसे करोगे, वो चीज आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको फेसबुक पे सिंपल सी चीज शेयर करनी है। आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई सेल करनी है, किसी भी टाइप की सेलिंग नहीं है, ईमेल मार्केटिंग नहीं है, सीपीए मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया और आपने थोड़ा बहुत भी क्वालिटी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्वालिटी हर किसी को चाहिए, अगर उसको वो चीज पसंद आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब आप लोगों का ये डाउट रहेगा कि हम उससे कमाएंगे लेकिन वो साइट रियल है या फेक है, इस चीज के बारे में कैसे पता चले, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ प्रूफ दिखा दिया करता हूँ। यहाँ पे आप ये प्रूफ देख रहे हैं, पर डे यहाँ पे तकरीबन ये 5-10 मिनट में ये ऑटो रिफ्रेश होती है साइट। 5-10 मिनट में जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे नए नए ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। जो भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई $63 कमा रहा है, कोई $132, $12, $3, $10, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो जितनी अर्निंग कर रहा है उसको उतना पैसा मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी सारे हैं, आपको परफेक्ट मनी चाहिए, पेयर चाहिए, वेब मनी चाहिए, साथ में यहाँ पे पेपाल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपाल भी दिखाई दे रहा है, इथम, बिटकॉइन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे वोडाफोन कैश भी अवेलेबल है, तो जिस चीज के थ्रू भी आप रिडीम करना चाहें आप रिडीम भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया हुआ है। इसी टाइप के 1086 पेज और हैं जहाँ पे आपको पेमेंट प्रूफ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये चीज तो आपको माननी होगी कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको फेसबुक के थ्रू यहाँ पे अर्निंग करनी है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सिंपल सा आपको फेसबुक पे शेयर करना है और सिंपल सा आपको शेयर करने का ही पैसा मिलेगा। अब जो आपका नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे हमको काम क्या करना है, तो वो काम मैं आपके लिए बता दिया करता हूँ। तो यहाँ पे जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ उस साइट का नाम है फाइल अपलोड। यहाँ पे आप इसका URL भी देख सकते हैं, file-up.org। इसी का मैं आपको पेमेंट प्रूफ यहाँ पे शो कर रहा था। और इसके मेन पेज पे अगर हम चलते हैं तो मेन पेज पे आपको क्या प्राइस मिलेंगे, क्या सारी चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको $7 भी मिल सकता है, $3 भी मिल सकता है। आपका जो कंटेंट है वो किस कंट्री में यहाँ पे डाउनलोड किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फाइल अप है क्या। फाइल अप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को फ्री में क्लाउड स्टोरेज में आप सेव कर सकते हो, और जो फाइल आपने सेव की है उस फाइल को जब भी कोई डाउनलोड करेगा तो आपको यहाँ पे पर डाउनलोड का इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपकी फाइल US, UK, कनाडा में डाउनलोड होती है तो आपको $7 मिलेगा, और अगर आपकी बाकी किसी जगह होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अदर कंट्रीज, तो ये तो आपके लिए प्राइस मिलेंगे जो आपको या तो आप $7 कमाओगे या फिर आप $3 कमाओगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इनकी कंडीशंस भी होती हैं, वो आपके लिए हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर
अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि शायद आप यहाँ पे जो अर्निंग कर रहे होगे वो अर्निंग भी आपको ना मिले या फिर आपका अकाउंट भी यहाँ पे बंद हो जाए। जो भी कंडीशंस होती हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर लेना। आई वॉन्ट टू नो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी कंडीशंस यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी कि क्या चीज आपको करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स एंड कंडीशंस में आपको देख लेना है। यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ कि आपको कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना है, पोर्न या इस टाइप की कोई फिल्म नहीं डालना है। जो भी चीजें इलीगल हैं वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। और एक और मैं आपको बात बता दिया करता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे फ्री अकाउंट रहेगा, फ्री अकाउंट में अगर आपकी फाइल 90 डेज तक उस पर एक भी क्लिक नहीं होता है तो 90 डेज के बाद ये आपकी फाइल को हटा दिया करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दिया करता हूँ कि यहाँ पे आपको मिनिमम पे आउट यहाँ पे $1 है। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि मिनिमम पे आउट $1 है। अगर आपने $1 भी अर्निंग की तो आपका अकाउंट में जरूर आएगा। और बाकी चीजें यहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे पे भी डिपेंड करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट गेटवे रहेगा उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है और ये साइन अप का फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, सेम पासवर्ड आपको 2 बार डालना है। इसके बाद आपको जो ये पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आपको छोड़ देना है। यहाँ पे ये चीज ऑप्शनल है, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस चीज में आपको पेमेंट चाहिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे पेमेंट गेटवेज यहाँ पे हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे पेपाल सिलेक्ट किया है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे अपना पेपाल का ईमेल डाल देना है एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आपको वेरीफाई करना है एंड देन आपको इसको लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे आपके लिए लॉग इन करके दिखा दिया करता हूँ। जो भी अर्निंग देखिए अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ ज्यादा अर्निंग हो गई है क्योंकि मैंने आज ही शुरू किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.5 कुछ यहाँ पे पैसे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इतनी अर्निंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे कोई काम इतना खास करता नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पेमेंट प्रूफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे काम करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल मेंटेन करना पड़ता है, अपना ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, कोर्सेज क्रिएट करने हैं मुझे। तो यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे काम रहा करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे अपना दूंगा ताकि मैं आपके लिए एक पेमेंट प्रूफ दिखा सकूं। जब भी मेरा आ जाएगा मैं उस टाइम इसका एक पेमेंट प्रूफ भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दिया करता हूँ कि आप पेमेंट प्रूफ का वेट मत करना क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप पेमेंट प्रूफ के चक्कर में बैठे रहा करते हैं और उस फील्ड में हजारों लोग आ जाते हैं और वहां पे हजारों लोग आने की वजह से आप वहां पे उतनी अर्निंग नहीं कर पाते हो। तो जैसे ही आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाता है, आप लॉग इन कर लेते हो, इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि यहाँ पे आपके लिए अपलोड क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपको अपलोड आप कर सकते हो वो चीज रहा करती है ये GIF। आप इनको जानते होंगे, ये GIF इमेजेस होती हैं। आप इनको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है रॉयल्टी फ्री। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 6988 GIF आपको यहाँ पे फ्री में मिल गई और ये वो चीजें हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रॉयल्टी फ्री किया है। आप अगर इनको यूज करते हैं तो किसी को भी इस चीज से दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज लगता है कि इससे किसी को दिक्कत हो सकती है तो आपको मैं एक और बेस्ट ऑप्शन बता दिया करता हूँ। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैनवा का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा में सिंपल सा मैंने यहाँ पे सर्च किया है एनिमेटेड और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक दिखाई दे रहा है। इस टाइप का आप बना सकते हैं, जैसे कि आज है मदर्स डे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर्स डे के दिन ये इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। इसी टाइप के आपको एनिमेटेड बहुत सारे बैनर्स मिल जाएंगे जैसे ये रहे। आप इनके अलावा कोई भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे GIF मिल जाएंगे। तो सिंपल सा आपको उनको डाउनलोड करना है और उनको आपको अपलोड कर देना है। अब वो आपको करना कैसे है, तो मान लीजिए अभी के लिए मैं फिलहाल के लिए ये जो है इसी को मैं यहाँ पे ले लिया करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ये तकरीबन 8 सेकंड की है और ये कुछ इतनी यहाँ पे दिखाई देगी। और आप चाहें तो इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं आपको, या फिर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लगाना है या कुछ भी आपको नई चीज यहाँ पे ऐड करनी है तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको एज इट इज यहाँ पे ले लिया करते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा डाउन
डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट GIF क्लिप का आपको ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये ऑप्शन मैं आपको सिर्फ इसी कंडीशन पे बता रहा हूँ, आप चाहें तो इनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉपीराइट या इस टाइप का कोई भी इशू आएगा, तो उस चक्कर में आपको मैंने ये कैनवा का ऑप्शन बताया है। तो जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई, और जैसे ही आपकी ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, आपको जाना है फाइल अपलोड पे, और फाइल अपलोड पे आपको ये अपलोड फाइल्स का यहाँ पे बटन दिखाई देगा, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी फाइल है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने फाइल यहाँ से डाउनलोड की, और इसके बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो इस फाइल का नेम है मैं वही इस पे ऐड कर दिया करता हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करना है, और आपकी तकरीबन एक दो सेकेंड में आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन फाइल 17 MB की थी, और यहाँ पे 200 की स्पीड आ रही है, अभी शायद अपलोडिंग स्पीड कम आ रही है। तो यहाँ पे जो भी स्पीड आ रही है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाती है, आपको यहाँ पे मैसेज आता है, साथ में आपको यहाँ पे टिक का साइन भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको एक URL मिल जाया करता है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जाना है और यहाँ पे सिंपल सा आप सर्च कीजिए GIFs, जैसे कि मैंने यहाँ पे GIF सर्च किया है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप्स देखेंगे, तो यहाँ पे हजारों ग्रुप रहेंगे, और इन ग्रुप्स में बहुत सारे मेंबर्स रहा करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर तकरीबन लाखों लोग हैं जो कि ये फाइल्स देखने वाले हैं। और आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, जैसे मैं भी इस ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लिया करता हूं। तो जैसे ही आपका यहां पे अप्रूव हो जाता है, जैसे अभी आप यहां पे देख सकते हैं पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इसी टाइप से और भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ग्रुप है, मैंने इसको भी यहां पे ज्वाइन कर लिया, इसके बाद में यहां पे पर्सनल प्रोफाइल से ही ज्वाइन कर लिया करता हूं। तो अभी तो यहां पे अप्रूव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे चूंकि हमारे पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है आप यहां पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके लिए अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे यहाँ पे पोस्ट करके दिखा दिया करता हूँ कि आपको यहाँ पे किस टाइप से पोस्ट करना है। आपको जो भी URL मिला था आप उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पी मदर्स डे, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, और आप यहाँ पे चाहें तो इमोजीज वगैरह का भी यूज कर सकते हैं ताकि और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे। फिर यहाँ पे एक दो मैंने यहाँ पे टैग्स यूज किए हैं, जो भी आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आप टैग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड जरूर लिखना है, क्योंकि इससे जब भी कोई इसको देखेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ट्राई करेगा कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड जरूर यहाँ पे ऐड करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इसको फेच ना करे, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा उस इमेज को अपलोड भी यहाँ पे कर देना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे उस इमेज को भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाती है, आपको इस टाइप से GIF दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी पोस्ट यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो आपकी फाइल कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है हैप्पी मदर्स डे, फिर फ्री डाउनलोड, और उसके बाद ये टेक्स्ट वगैरह। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा और वो इस फाइल को डाउनलोड करता है, आपको यहाँ पे पूरी अर्निंग आपकी दिखाई देगी। आपको यहाँ पे रिपोर्ट में पूरी सारी चीजें दिखाई देंगी कि कितने इस पे क्लिक हुए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं एक क्लिक यहाँ पे अभी हो भी चुका है, और जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक्स होते जाएंगे यहाँ पे मेरी अर्निंग आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और जो भी फाइल्स आपने अपलोड की हुई थी उनका भी स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। माइल्स फाइल्स में आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपकी फाइल्स थी वो कितनी बार डाउनलोड हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ये फाइल अभी डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा फाइल अपलोड करते जाना है। जो भी ओकेशन चल रहा है, आप कुछ भी ऐसा कंटेंट कीजिए जो कि रॉयल्टी फ्री हो, मतलब किसी का कॉपीराइटेड ना हो,
हो और उसके बाद वो थोड़ा सा लोगों के काम में आए कि लोग उसको डाउनलोड करना चाहें। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया, सिंपल सा ये तरीका आपको फॉलो करना है और एक अच्छी अर्निंग जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आपको अर्निंग कितनी हो सकती है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ये मैं प्रूफ इसका दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे आप इतनी अर्निंग कर सकते हो। तो जितनी भी अर्निंग आप कर सकते हो आपके ऊपर है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपकी चीजें लोग डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसकी मैंने लिंक जो दी हुई थी, मैंने लोगों के लिए डाउनलोडिंग के लिए सिंपल सी गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई थी। मैं चाहता तो उन फाइल्स को यहाँ पे अपलोड करता और यहाँ से कोई भी अगर उन फाइल्स को डाउनलोड करता तो अभी तक मेरी बहुत कुछ अर्निंग हो भी चुकी होती। तो अभी मैं शायद उस लिंक को रिप्लेस कर दूंगा, तो आपको कुछ दिन में इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही बोलना चाहूंगा कि प्रूफ का वेट मत किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरे लिए इन चीजों में टाइम लगता है क्योंकि मैं ये सारी चीजें यूज नहीं करता हूं। मैं नहीं चाहता कि जैसे आपके लिए अगर मैंने कोई डाउनलोड लिंक दी है तो उसमें कोई एड आए या कुछ भी आए, इसीलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट लिंक दिया करता हूं या फिर बिटली वगैरह ऐसा कोई भी URL शॉर्टनर यूज करता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे कुछ URL शॉर्टनर्स होते हैं जिनसे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को परेशानी ना हो कि आपको बीच में एड ना देखने पड़े, वेट ना करना पड़े, इस चक्कर में आपके लिए मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता हूं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको यूजर से इतना खास मतलब नहीं है, अगर उसको डाउनलोड करना है, फ्री में चाहिए कोई चीज, तो उसको वेट करना ही होगा। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज का इशू आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा इस चीज का भी कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। और जाते जाते बस एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल AVS Tech & Sony पे पहली बार आए हैं और आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए। थैंक यू दोस्तों।